नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए लेडी सॉक्स का बहुत ही सिंपल और सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस सॉक्स को बनाने में केवल 48 ग्राम ऊन का प्रयोग हुआ है। इसमें हमने केवल सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई का प्रयोग किया है, किसी प्रकार का कोई डिज़ाइन नहीं डाला। जिन लोगों को केवल सीधा और उल्टा बनाना आता हो वो भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये सॉक्स हमने तल्ले से शुरू कर ऊपर लेकर आए हैं और यहाँ पर आकर हमने इसको बंद किया है। इसमें हमने तल्ले में 92 स्टिचेस लगाकर इसको शुरुआत की थी। आपको मैं दिखाती हूँ इसे, आप देखिए। पीछे से भी और दोनों शूज की शेप बिल्कुल एक जैसी आई है। तो आइए हम सॉक्स को बनाना शुरू करते हैं। आप इसमें आगे से देखिए, इसकी यहाँ की खूबसूरती बहुत सुंदर है और बिल्कुल बराबर आती है। देखिए यहाँ की इसकी खूबसूरती बिल्कुल बराबर है, यहाँ से लेकर इस ओर भी बिल्कुल सेम एक जैसी बनकर आई है। तो आइए हम बूट को बनाना शुरू करते हैं। ये जो हमने शूज बनाए हैं इसका साइज 5 नंबर का है। अगर आप इसको 6 नंबर या 7 नंबर का बनाना चाहते हो तो आप इससे थोड़ी सी मोटी ऊन लेकर इतने ही फंदे डालकर 8 या 9 नंबर की सिलाई पर बना लें तो ये आपका शूज 6 या 7 नंबर का बन जाएगा। बूट बनाने के लिए हम सिलाई में 92 स्टिचेस 92 फंदे डालेंगे। ये देखिए कुल फंदे हम 92 डालेंगे और एक रंग से पहले 22 सिलाई बनाएंगे जो 11 सरी बन जाएंगी। फिर बी रंग से 4 सिलाई डालेंगे, सीधी डालेंगे जो 2 सरी बन जाएंगी। उसके बाद फिर से ए रंग से हमको 2 सरी बनानी है। 92 92 का मतलब है 46 जोड़। तो पहले मैं आपके सामने यहाँ पर 46 जोड़ गिन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 91
22 सलाई डाली हैं जिसमें ये 11 सरी बनकर आई हैं। ये मैं आपके सामने गिन देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दो सरी बी रंग से बनाई है, 1, 2, उसके ऊपर फिर से हमने 4 सिलाई, 2 सरी ए कलर से बनाई है, 1, 2। इसके बाद अब हम इस सिलाई के ऊपर बिना बुने फंदे उतारेंगे। 46 हमारे पास जोड़ हैं तो हम 45 फंदे उतारेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से गिनते हुए हम पहले 45 फंदे उतारेंगे, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। ये हमने 45 फंदे उतार लिए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 22 का डबल 44 और 1 45। अब हम इस धागे से इसको यहाँ से काट लेते हैं और वहाँ से बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से पहले हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, साइड चेंज करेंगे। जब हम उल्टी साइड होंगे तो पहला फंदा हमेशा ही बिना बुने उतार लेंगे और आगे वाली रो भी हमको सारी उल्टी बनानी है। इसमें हमको सीधी और सीधी रो बनानी है और रॉन्ग साइड उल्टी साइड हमको सारी उल्टी बनानी है। अब फिर से हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे उल्टा ही, साइड चेंज करेंगे। अब हम सीधी साइड हैं, पहला फंदा हमेशा बिना बुने उतार लेंगे सीधी ओर से सीधा, दो फंदे सीधे, यहां पर फिर से हम दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे, सीधी ओर से सीधा और उल्टी ओर से उल्टा, साइड चेंज करेंगे। पहला फंदा उल्टा बिना बिने उतार लेंगे, बाकी के तीन फंदे फिर से हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, इन दो फंदों का एक फंदा उल्टा फिर से बनाएंगे, साइड चेंज करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, दो फंदों का एक फंदा फिर से बनाएंगे, साइड चेंज करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और पी कलर से जितने भी फंदे हैं हमारे पास उनको सबको हम उल्टा बुन देंगे। हर बार एक फंदा बढ़ेगा, इस बार 5 हैं, अगली बार 6 हो जाएंगे। दो फंदों का एक फंदा फिर से करेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुने ही उतारना है, सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा, इस बार फंदे 6 हो गए, 6 फंदे बिना बुने उतारेंगे, एक बुन सीधा बुन के उतारेंगे, दो तीन चार पांच छः। देखिए कितना सुंदर बनना शुरू हो गया है। फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, साइड चेंज करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, शेष फंदे हम जितने भी हैं जो हमने बी कलर से बनाए हैं सारे के सारे बुनेंगे और एक कलर से दो फंदों का एक फंदा हम फिर से बनाएंगे, एक दो। इसी तरह से बनाते हुए हमको तब तक बनाना है जब तक हमारे पास इस सिलाई पर 22 फंदे नहीं रह जाते, इस ओर भी 22 फंदे, इस ओर भी 22 फंदे और ऊपर हमारे पास 24 फंदे इस कलर पी कलर से आ जाएंगे। हमको तब तक बनाना है तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए, इस ओर 22 फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 का डबल 22, इस ओर भी 22 है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 का डबल 22 और यहाँ पास हमारे पास 24 फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 का डबल 22। अब हम पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुने और हर बार दो फंदे का हम एक फंदा बनाते चले जाएंगे। ये दो फंदे हैं, दो फंदों का एक फंदा हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, लेकिन पहला इधर का भी पहला
और उधर का किनारे के फंदे को हम डबल नहीं बनाएंगे, केवल इन्हीं फंदों को बनाएंगे, सेंटर के फंदों को। तो पहले हम ये सारे फंदे डबल, एक इनका हम हाफ हाफ कर लेते हैं, दो फंदों का एक फंदा बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर बनाते हैं। आखिर के फंदे को हम सिंगल एक बना लेंगे और पहले की तरह हम सारे फंदे वापसी अपनी सिलाई पर पलट लेंगे। तो पहले हम सारे फंदे पलट लेते हैं, इसके बाद हम ए कलर से फिर से पहले चार सिलाई डालेंगे, फिर बी कलर से चार सिलाई डालेंगे, फिर ए कलर से आठ सिलाई डालेंगे। ये देखिए, पहले हम एक कलर से यहाँ पर चार सिलाई डाली हैं, दो सरी बनकर आई हैं, फिर बी कलर से चार सिलाई डाली, दो सरी बनकर आई, उसके बाद फिर हमने एक कलर से आठ सिलाई डाली जिसमें ये चार सरी बनकर आई, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले हम ये बना लेते हैं, ये देखिए हमने इसके ऊपर बना लिया है, चार सिलाई एक कलर से डाली, चार बी से, और आठ सिलाई हमने एक कलर से डाली है। अब हम इसको बंद करेंगे और बंद करने से पहले जितने भी हमारे एक्स्ट्रा धागे थे वो हमने सब सुई में डाल के देखिए अंदर कर दिए हैं। अब हम इसकी पहले हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए पहले दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, दो फंदे सीधे बनाकर पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा फिर से हम पहले वाले फंदे के ऊपर पलट देंगे, फिर से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, पीछे वाला फंदा फिर से पलट देंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, पीछे वाला फंदा एक फिर से पलट देंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा धागा लंबा सा रखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर सिलाई भी करनी है। ये देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए, धागा लंबा सा छोड़ा है, सुई में डाल लिया है। पहले हम इसकी सिलाई की शुरुआत करेंगे और आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए ऊपर से चेन कितनी सुंदर बनकर आई है, बिल्कुल एक सार आती है। तो अब हम इसकी पहले सिलाई यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम रॉन्ग साइड इकट्ठी करके, दोनों ओर हमारी रॉन्ग साइड है, पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे। सिलेंगे हम सीधी साइड आमने सामने रखकर। अब हम यहाँ से सुई अंदर करके साइड को इसको चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास सारी ये आमने सामने सीधी सिलाई आ गई है। अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे, पहले हम एक ओर की एक सरी लेंगे, दूसरी ओर की हम पहली सरी छोड़ के, पहली और दूसरी सरी छोड़ के हम नीचे का धागा लेंगे। देखिए हमने ना पहली सरी लेनी है ना दूसरी, दोनों के बीच की सरी। इधर से अब हम दूसरी सरी लेंगे, इस ओर से हम दूसरी, ये देखिए ये पहली और ये दूसरी, दूसरी और तीसरी सरी को छोड़ के हम नीचे से धागा लेंगे। इधर से हम तीसरी सरी लेंगे, इधर से तीसरी और चौथी सरी के बीच का धागा लेंगे। ये देखिए जब हम इस तरीके से सिलाई करेंगे हमारा जोड़ बहुत सुंदर आएगा, आप देखते रहिए। यहाँ से चौथी बार लेना है, चौथी सरी लेंगे हम, ये देखिए। अब हम इधर से चौथी
और पांचवी सरी के बीच में यानी ए और बी कलर के बीच से नीचे से सेंटर से ये देखिए इधर से हम अब ये कर ये लेंगे पांचवी सरी। आप देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर बिल्कुल बराबर आपस में मिल गया है। इस पर भी हम दोनों के नीचे से लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो सरी हैं, दो सरी के बीच में से नीचे से लिया धागा। अब इधर की हम छठी सरी लेंगे और इधर हम छठी और सातवीं सरी के नीचे से धागा लेंगे। आपको मैं सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये जोड़ कितना सुंदर बनकर आया है। हल्का सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये जोड़ बहुत सुंदर बनकर आता है। इसी तरह से हम सिलेंगे। सिलते हुए फिर हम पहले यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर इसके इधर ले जाएंगे। पहले मैं आपको यहाँ तक सिलाई करके दिखाती हूँ। मेरा आगे वाला जोड़ भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ये देखिए हमने यहाँ तक सिल लिया है। दोनों के दोनों जोड़ कितने सुंदर बिल्कुल बराबर आए हैं। अब हम जब यहाँ पर आकर सिलाई करेंगे तब भी हम दो धागे इधर से लेंगे और दो ही धागे हम इधर से लेंगे। फिर से दो धागे हम इधर से लेंगे, दो धागे हम इधर से लेंगे। इसी तरह सिलते हुए हम अपना सारा का सारा मोजा कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए जूता बनकर बिल्कुल तैयार है हमारा। आप इसकी शेप देखिए, आगे से देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए इसको आगे से और पीछे से इसकी सिलाई देखिए बिल्कुल बराबर आई है। और नीचे का पैर भी देखिए, हमने इसको बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड्डी की पोटली में जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।